नमस्कार दोस्तों, हमारे एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेन लगन के लिए वक्री शुक्र के क्या प्रभाव होंगे। शुक्र मिथुन राशि में सन 2020 में वक्री हो रहे हैं और इनका जो वक्री काल है वो वैसे 40 से 43 दिन तक का रहता है। इस बार इनका वक्री काल लगभग 40 से 41 दिन का रहेगा और ये 2 वर्ष में एक बार वक्री होते हैं मंगल की तरह। इनका जो वक्री काल रहेगा वो 13 मई 2020 से लेकर 25 जून 2020 तक मिथुन में रहेगा। तो देखिए, कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वो किस प्रकार के प्रभाव देता है। मान लीजिए यहाँ पर आपके शुक्र वक्री हो रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इनकी जो नेचुरल स्पीड है गोचर करने की वो स्लो होगी। उसके बाद एक ऐसी स्थिति आएगी आगे चलकर जिसमें ये एक निश्चित डिग्री पर काफ़ी लंबे समय तक स्थिर रह जाएंगे। हालांकि ये गोचर करते रहेंगे लेकिन इनका जो डिग्री है वो कम होता जाएगा और एक निश्चित डिग्री पर रुकने के बाद जो है इनका डिग्री कम होगा। कम होने के बाद जब ये 0 डिग्री तक पहुंचेंगे तो ये इनका वक्री काल कहलाएगा और वक्री काल होने के दौरान ये जिस भाव में आपके यहाँ यानी कि 4th हाउस में है तो जिस भाव में ये वक्री हो रहे हैं उसको प्रभावित करेंगे, जिस भाव पर इनका एस्पेक्ट रहेगा उसको प्रभावित करेंगे और कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उससे जिस भाव में वो वक्री होता है उससे पहले वाले भाव को भी वो प्रभावित करता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ग्रह पिछले भाव पर भी एस्पेक्ट करता है वक्री होने के दौरान। तो यहाँ पर देखिए आपका 4th हाउस प्रभावित होगा, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सी और बेसिक बातें बता देता हूँ जिसमें शुक्र का जो कारकत्व है वो आता है और ऐसे जो जातक हैं जो शुक्र के कारकत्व से संबंधित हैं उनकी लाइफ निश्चित रूप से प्रभावित होने वाली है। अब वो नेगेटिव तरीके से प्रभावित होगी या पॉजिटिव तरीके से वो सबसे पहले आपको देखना होगा अपने लगन चार्ट में। आपके लगन चार्ट में शुक्र की पोजीशन देखिए, शुक्र किस ग्रह के साथ हैं वो चीज़ मैटर करती है, शुक्र पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है और साथ ही आपका जो यहाँ 4th हाउस है इसमें गोचर के दौरान और कौन कौन से ग्रह वक्री शुक्र के दौरान यहाँ से होकर गुजरेंगे तो वो भी काफ़ी मैटर इस रिजल्ट में करेगा। अब देखिए शुक्र रेस्पेक्ट के कारक हैं, शुक्र दर्शाते हैं हैप्पीनेस को, शुक्र वेल्थ के कारक हैं, ये ओनर को दर्शाते हैं, मैरिज और लव अफेयर, डिवोर्स, फिजिकल रिलेशनशिप, इन सब के कारक शुक्र हैं। रेट्रो शुक्र के समय कई जातक ऐसे होते हैं जो अपनी फैमिली से डिटैचमेंट फील करते हैं और अपना प्यार दर्शाने का जो तरीका है उनका वो थोड़ा अपरंपरागत होता है। जन्म के समय का लगन का शुक्र अगर 12वें भाव में हो तो रेट्रो शुक्र के समय ऐसा जातक सेक्सुअल एक्टिविटीज से दूरी बनाने लगता है, साथ ही साथ वो लग्जरी लाइफ से भी दूरी बनाता है। कई बार ऐसे जातक अपनी जिम्मेदारियों से दूर हटने की कोशिश भी करने लगते हैं और कई जो यंग एज में होते हैं वो यंग एज में रिटायरमेंट का भी सोच लेते हैं, जो कहीं गवर्नमेंट जॉब में या कहीं प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छे पद पर काम कर रहे होते हैं तो उनकी काम करने की नीयत भी प्रभावित होती है। साथ ही साथ वक्री शुक्र है वो संपत्ति का नुकसान करा सकता है, पिता के साथ रिलेशनशिप को प्रभावित करता है, शादी और डिवोर्स का कारक भी है तो ये जो लाइफ है मैरिड लाइफ उसको भी ये निश्चित रूप से प्रभावित करता है। कुंडली में अगर शुक्र आपका बहुत ही अच्छा हो तो आपका रुझान कॉस्मेटिक्स जैसे आइटम या मेकअप वगैरह में खूब रहेगा, लेकिन वक्री शुक्र के समय ये सब कम हो जाएगा। इसके अलावा रेट्रो शुक्र के समय घर में झगड़ा होना और घर में शांति नहीं रहना जैसे काम जो है देखे जाते हैं, स्किन से जुड़ी हुई कोई समस्या हो सकती है। इसके अलावा देखिए मीडिया में रेट्रो शुक्र के समय धन और प्यार से जुड़े जो इश्यू हैं वो बढ़ जाते हैं, महिलाओं से जुड़ी हुई जो खबरें हैं वो भी बहुत ज़्यादा आई हुई रहती हैं। इसके अलावा शुक्र रिलेशनशिप का कारक है, सेक्स का कारक है, लव मनी, लव अफेयर, ब्यूटी, लग्जरी, कंफर्ट्स, इन सब का कारक है। पार्टनरशिप का कारक भी शुक्रीय है, फैशन इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, बिजनेस में पार्टनरशिप, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए लोग, आर्टिस्टिक फील्ड से जुड़े हुए लोग, इन सब का कारक शुक्र है। इसके अलावा अगर आप वक्री शुक्र के समय में अपने नए घर में या पुराने घर में या नए ऑफिस में या पुराने ऑफिस में डेकोरेशन करते हैं तो वक्री शुक्र के दौरान आप ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा नई पार्टनरशिप, नया रिलेशनशिप ना बनाएं,
विलासिता की वस्तुओं पर आप कम से कम खर्च करें। हो सके जहां तक वक्री शुक्र के समय आप विलासिता की जो चीजें हैं उन पर खर्चा बिल्कुल ना करें। नया बिजनेस कोई भी स्टार्ट ना करें, विशेष रूप से पार्टनरशिप में। अगर हो सके जहां तक आप शादी विवाह को भी टाल दीजिए वक्री शुक्र के समय। और लड़के की कुंडली में शुक्र विवाह के कारक होते हैं, तो लड़कों को विशेष रूप से वक्री शुक्र के समय शादी को टालना चाहिए जहां तक हो सके वहां तक। इसके अलावा जो न्यूज़ पब्लिशर होते हैं, मीडिया में जो काम करते हैं, ड्रामा हो गया, थिएटर, प्रोफेशनल लोग जो ये हैं इन सब में, उनके लिए वक्री शुक्र का जो काल है वो अच्छा नहीं रहेगा। हाँ, जो सिंगर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो पेंटर्स हैं, उनके लिए भी वक्री शुक्र का प्रभाव नेगेटिव रहेगा। हालांकि यहाँ पर इतनी राहत की बात कही जा सकती है कि ये बुध की राशि मिथुन में वक्री होंगे, इस वजह से थोड़ा सा इनका नेगेटिव इफेक्ट कम हो जाएगा, जिससे इतने खराब रिजल्ट यहाँ नहीं देंगे। अब देखिए शुक्र जो है वो आपके फोर्थ हाउस में वक्री हो रहे हैं, तो फोर्थ हाउस की चीज़ों को स्लो करेंगे, फोर्थ हाउस के रिजल्ट्स को नेगेटिव देंगे, तो आपका डिटैचमेंट हो सकता है अपने घर से। विलासितापूर्ण जो जिंदगी है उससे आप थोड़ा दूर भाग सकते हैं। आपकी माताजी के स्वास्थ्य पर भी ये प्रभाव डालेंगे, और उनकी हेल्थ पर प्रभाव डालने के साथ साथ उनको कोई स्किन से जुड़ी हुई समस्या रह सकती है। हालांकि बुध की राशि में वक्री होने के कारण थोड़ा सा जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम जरूर रहेगा। इसके बाद शुक्र का एस्पेक्ट रहेगा आपके टेंथ हाउस पर। टेंथ हाउस पर रहने से आपका जॉब, यानी जहां आप जॉब करते हैं, आपका वर्किंग प्लेस, वो निश्चित रूप से प्रभावित होगा। इसके साथ ही शुक्र का प्रभाव आपके थर्ड हाउस पर भी रहेगा, तो आपकी जो काम वासना है वो भी कहीं ना कहीं कम होगी। आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ भी आपका जो रिलेशनशिप है थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, थोड़ा उनसे दूरी बन सकती है। इसके अलावा बाकी ये ठीक ठाक रिजल्ट इसके रहेंगे, यानी कि आपको विशेष रूप से फोर्थ हाउस से जुड़ी चीज़ों में सावधान रहना होगा वक्री शुक्र के समय। अगर आपका शुक्र बहुत ही अच्छा है, कुंडली में स्ट्रॉन्ग है, तो थोड़ा सा आपको जो है ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। वरना अगर आपका शुक्र बहुत ही ख़राब है कुंडली में, तो हो सकता है कि आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप पहली बार हमारे चैनल का वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।